नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के समय। मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एस्टेट की हेल्प डेस्क ईमेल आईडी हैक। चिकित्सक एसोसिएशन के सदस्यों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। लंबित पड़ी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सीएम को भेजा ज्ञापन। मौसम में हुआ बदलाव, बादलवाई की रहेगी संभावना। पर अब खबरें विस्तार से। हैकर्स के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एस्टेट परीक्षा के लिए बनाई गई ईमेल आईडी को ही हैक कर लिया। वहीं बोर्ड अध्यक्ष की इंस्टाग्राम आईडी को भी हैक कर लोगों से रुपयों की मांग की जा रही है। इस बारे में बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि पुलिस को सूचित कर दिया गया है और लोगों को भी इस बारे में आगाह किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एस्टेट परीक्षार्थियों की मदद के लिए बनाई गई ईमेल को बदमाशों ने हैक कर लिया है और परीक्षार्थियों से 200 से 400 रुपए की मांग भी की जा रही है। इतना ही नहीं, बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव की इंस्टाग्राम आईडी को भी बदमाशों ने नहीं बख्शा और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से रुपयों की मांग की जा रही है। बोर्ड सचिव सुश्री ज्योति मित्तल ने बताया कि इस मामले से संबंधित एफआईआर पुलिस विभाग में दर्ज करवा दी गई है। वहीं उन्होंने एस्टेट परीक्षार्थियों व संबंधित नागरिकों से अपील की है कि उनकी हैक की गई आईडी की ओर किसी प्रकार से ध्यान न दें और रुपयों का लेन देन भी न करें। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, हमारी गवर्नमेंट की ईमेल आईडी जिससे हमने एस्टेट के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन किया था, वो किसी हैकर के द्वारा हैक कर ली गई है, जिस बारे में उचित कार्रवाई बोर्ड के द्वारा भी की जा रही है। लीगल एक्शंस भी फॉर्म के माध्यम से हमने करवाया है उन पर, और हम ट्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस मोबाइल नंबर से या किस बंदे के कारण वो हैक हुई है। मीनवाइल मैं सभी अभ्यर्थियों से और जिसके पास भी उस ईमेल आईडी से मैसेज आते हैं तो मैं अपील करूंगी आप लोगों से कि उस मेल पे कोई भी रिस्पॉन्स ना करें आप। मेरे संज्ञान में आया है कि उस मेल से दो चार मैसेजेस भी हुए हैं जिसमें कि पैसे की डिमांड की गई है, तो अभ्यर्थियों से पुनः मेरा निवेदन है कि इस टाइप की डिमांड को वो लोग पूरी ना करें और संयम बनाए रखें। एक्शंस चल रहा है, एफआईआर रजिस्टर करवा दी गई है, जैसे ही कुछ इसके बारे में जानकारी मिलेगी हम पुनः एक्शंस उसके ऊपर लेंगे जो भी लीगली बनता है। कि साइट पे या बोर्ड के ऑफिशियली कुछ हमारे पास नहीं आया है, जैसा पता चला एक तो स्टूडेंट्स को मैसेज हुए हैं उस जीमेल आईडी से, तो उसको हम डीएक्टिवेट कराने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हैक हो गई है, कुछ क्रेडेंशियल्स उसके चेंज हो गए हैं, तो जैसी उचित कार्रवाई बनेगी हम लोग उसकी पूरी। HCMS एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर मनीष चौरान की अगुवाई में बुधवार को चिकित्सकों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन विधायक घनश्याम सराफ को सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में की गई मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात पर चिकित्सकों ने विधायक का आभार जताया। HCMSA के जिला प्रधान डॉक्टर मनीष चौरान ने बताया कि एसोसिएशन ने मुख्य रूप से विशेषज्ञ संवर्ग कार्यान्वयन का आह्वान किया। इस कदम का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं की विशेषज्ञता और दक्षता को बढ़ाना है। एसोसिएशन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती को समाप्त करने की वकालत करता है और HCMSA कैडर को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इस उपाय को कैडर की निष्पक्षता और अखंडता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एसोसिएशन पोस्ट ग्रेजुएट बॉन्ड राशि को मौजूदा 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख रुपए करने की मांग कर रहा है। मैं डॉक्टर मनीष हूँ, सिविल हॉस्पिटल में। आज माननीय विधायक श्री घनश्याम जी को हम ज्ञापन देने आए हूँ एसोसिएशन की तरफ से। हमारे स्टेट HCM एसोसिएशन की डॉक्टरों की कुछ डिमांड है जिनका ज्ञापन सरकार को देने के लिए विधायक के थ्रू मैं विधायक जी के पास आया हूँ। उन डिमांड के बारे में हमने कुछ दिन पहले 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक भी की थी और डिमांड के बारे में जो हमारी मुख्य थे 2-3 डिमांड
उनमें से एक स्पेशलिस्ट कैडर लागू करना। सरकार पहले ही अनाउंस कर रखी है, सीएम साहब ने कह रखा है कि स्पेशलिस्ट कैडर लागू करेंगे हम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो है इस कैडर में आएंगे और पब्लिक को जो है और अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण, डॉक्टर कम होने के कारण पब्लिक को भी क्वालिटी सर्विस मिल नहीं पाती है। इसके लागू होने से जनता को भी बहुत राहत मिलेगी, क्वालिटी सर्विस मिल पाएगी और डॉक्टर जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। दूसरा हमारा ACP का है कि टाइम बाउंड प्रमोशन जो है सेंटर में है या कुछ और डिस्ट्रिक्ट में है और स्टेट में है, वो अगर लागू कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इस गवर्नमेंट सर्विसेज में गरीब जनता की सेवा करने के लिए आएंगे। तीसरा, जो बच्चे 3-4 साल की सर्विस करने के बाद PG करने के लिए जाते हैं, उनका श्योरिटी बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का है। मोस्टली गवर्नमेंट सर्विसेज में मध्यम वर्ग के, उससे भी कम वर्ग के लोग आते हैं, उनके लिए 1 करोड़ का बॉन्ड देना काफ़ी मुश्किल काम है। और जो डॉक्टरों ने विज्ञापन दिया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी 3 डिमांड है उनके ऊपर बात करूँगा, स्पेशलिस्ट कैडर की और दूसरा सामयिक उनका प्रमोशन की, तीसरी बात है उनका बॉन्ड, जो PG दौड़ने से पहले बॉन्ड भराया जाता है 1 करोड़ का, उसके लिए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इनकी बातें रखेंगे और जो भी संभव होगा इनको रिलीफ देने का काम करें। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर जिले भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अपनी बकाया मांगों को लेकर किए गए इस प्रदर्शन का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजा। रोज सभा को संबोधित करते हुए CTU व यूनियन नेताओं ने कहा कि हरियाणा में 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मांगे पिछले कई सालों से लंबित पड़ी हैं। उनकी अपनी मांगों के लिए निरंतर संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है। दिवाली का तोहफा कहकर मोदी जी ने 2018 में 1500 रुपए और 750 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन वह तोहफा 5 दिवाली बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं दिया गया है। और हड़ताल के दौरान काटा गया मानदेय राशि भी अभी 25% ही खातों में डाली गई है। आंगनवाड़ी कर्मियों की अभी भी 75% मानदेय की बकाया राशि है, जिसके लिए 28 नवंबर को प्रदेश भर की सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने मुख्यालय पंचकुला में अपना प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने हमारे प्रतिनिधियों से शीघ्र सभी समस्याओं का समाधान करने का वायदा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। आज का प्रदर्शन हमें मजबूर होकर करना पड़ रहा है। 2022 में जो हमारा समझौता हुआ था, ना तो सरकार ने वो लागू किया और बार बार हम सरकार को चेता भी रहे हैं कि आप हमारी जो बातें समझौते हुए थे उन्हें लागू करें और उनको पूरा करें, पर सरकार एक तरफा ही घोषणा कर रही है बिना आंगनवाड़ी वर्कर की सलाह लिए। उसने जो कुछ मतलब ऐसा कुछ दिया है जो हमें मंजूर नहीं है, और जो बढ़ोतरी की है वो बढ़ोतरी तो हमारी पुरानी ही थी। भारत सरकार के मुख्यमंत्री ने मतलब जो हमारे मंत्री ने 1500 और 750 वर्कर हेल्पर के बढ़ाए थे वो हमारे दिए नहीं थे। हरियाणा सरकार दबा के बैठी है 5 साल से, तो उसको 2 टुकड़ों में किया है। और साथ ही हमारी हर साल महंगाई भत्ते की किस्त लगाने के लिए भी बोला था, जो 2022 और 23 की हरियाणा सरकार ने नहीं लगाई। हम यही मांग करते हैं कि जो आप वादे करते उन्हें पूरा करें, और मांगे हमारी कोई ऐसी नई भी नहीं है और कुछ हम मांग चाह भी नहीं रहे, जो बात हो रही है। और लाभार्थियों के लिए भी हमारी यही लड़ाई है सरकार के साथ, मीनू के अनुसार राशन दिया जाए, समय पर आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया दिया जाए, और आंगनवाड़ी सेंटरों की भी बहुत सी जरूरतें हैं, जो समय समय पर आंगनवाड़ी वर्कर को परेशानियां होती हैं, रजिस्टर स्टेशनरी और बर्तन वगैरह आंगनवाड़ियों में कुर्सी मेज भी नहीं है, अलमारियां भी नहीं है प्रॉपर सभी साधन रखने के लिए। तो यही मांगे लेकर आज हम प्रदर्शन के लिए आए हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं चेती तो हमारी जल्द एक बड़े आगे लंबे आंदोलन की कॉल होगी। सरकार का तो अब क्या किया जा सकता है, सरकार हाँ भर लेती और बातें लागू नहीं करती। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के डॉक्टर देवीलाल ने अगले 3-4 दिन में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। दिसंबर माह में ठंड बढ़ने के बजाय अगले 3 से 4 दिनों में रात्रि के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि यह शोध का विषय है और इस दिशा में
शोध किए भी जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर देवी लाल ने बताया कि अगले 3-4 दिनों में बादलवाई के चलते तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आधा दिसंबर बीत जाने पर भी कड़ाके की धूप देखी जा रही है। इसका एक कारण जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण है। पहले पैटर्न फिक्स होते थे लेकिन अब शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे ठंड कम गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। किसान भाइयों से अगर बताना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों जो न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई थी, जो न्यूनतम तापमान है वो 5 से 6 डिग्री के आसपास आ गया था, वो अभी जो है दोबारा से बादलवाई होने की वजह से जो रात्रि तापमान है न्यूनतम तापमान उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है और अभी ये 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। और जो दिन का तापमान है जो अधिकतम तापमान वो 23 से 24 डिग्री के आसपास अभी चल रहा है। तो अभी आने वाले समय के अंदर जो है वो बादलवाई रहने की संभावना है 3 से 4 दिन। इस दौरान जो है वो रात्रि तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है और उसके बाद जो है वो मौसम के बदलाव होने की संभावना भी बन रही है। ये जो पीछे जो पुराने समय से जो एक पैटर्न बना हुआ था जिसमें दिसंबर और जनवरी महीना जो है वो पूरी कड़ाके की ठंड पड़ा करती थी और धुंध भी उस टाइम पड़ती थी, और आजकल अभी आप दिसंबर आधा दिसंबर जाने को है लेकिन अभी जो है वो कड़ाके की धूप आप देख रहे हो। ये वजह जो है कि हम दिन प्रतिदिन बड़ा इसके ऊपर स्टडी भी हो रही है। जलवायु परिवर्तन एक समस्या है क्योंकि पेड़ों की अत्यधिक कटाई की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो पहले पैटर्न फिक्स हुआ करते थे वो पैटर्न फिक्स नहरे करके शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक खबर चलते चलते, छोटी काशी भिवानी के आध्यात्मिक गुरुओं एवं संत समाज पर एक विशेष ग्रंथ की रचना की जाएगी। इस ग्रंथ में प्रत्येक धर्म व संप्रदाय से जुड़े साधु संतों का विस्तृत विवरण चित्रों सहित होगा। यह ग्रंथ साहित्यकार जेके वर्मा व उनकी टीम द्वारा तैयार किया जाए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एस्टेट की हेल्प डेस्क ईमेल आईडी हैक। चिकित्सक एसोसिएशन के सदस्यों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। लंबित पड़ी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सीएम को भेजा ज्ञापन। मौसम में हुआ बदलाव, बादलवाई की रहेगी संभावना। और अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत, देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।